ऑलराइट, अभी तक हमने पढ़ा था फैलिंग्स के बारे में, ग्रसनी के बारे में, ठीक है। और ग्रसनी में एक भाग हमने पढ़ा था जो कि एंडोस्टाइल भाग था, उसे हम कई बार थायराइड ग्रंथि से कंपेयर कर सकते हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हायर कॉर्डेट्स हैं, उनमें उसी की जगह पर हमारे अंदर थायराइड ग्लैंड उपस्थित रहता है। तो उनमें एंडोस्टाइल में भी ग्रंथन कोशिकाएं होती हैं, ग्लैंड सेल्स उपस्थित रहते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और थायराइड ग्रंथि के स्तर कार्य करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट है, ग्रसनी की जस्ट बाद, फैरिंग्स की जस्ट बाद ईसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं ग्रास भाग। ग्रसनी डायरेक्ट इसी में खुलती है, ये किस प्रकार की नलिका है, एक नलिका समान रचना है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत संकरी है, बहुत नैरो है और इसी के साथ छोटी भी होती है। और ये आगे जाकर इसमें खुलेगी, आगे इंटेस्टाइन में, आंत में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटेस्टाइन, दैट मींस आंत, राइट। जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेस्टाइन जो होती है ईसोफेगस की बात खुल रही है आंत, और ये लंबी नलिका रूपी रचना है, लंबी है, नलिका रूपी रचना भी है, और इसी के साथ इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये संकरी भी है, बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसी प्रेजेंट है और नैरो स्ट्रक्चर है, ओपन हो रही है जस्ट ईसोफेगस के बाद। इस इंटेस्टाइन को, इस आंत्र को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट इसका होता है मिडगट, यानी कि मध्य आंत्र, ठीक है। इसका सेकेंड होता है हाइंडगट, यानी कि पश्च आंत्र, और इसका थर्ड पार्ट होता है रेक्टम, मलाशय, राइट। तो जब हम मिडगट की बात करेंगे तो मिडगट सीधे खुल किस में रही है, किससे आ रही है, ईसोफेगस जो है वो सीधे मिडगट में खुलेगी, जो मध्य आंत्र कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मिडगट है वो किसके द्वारा बनी हुई है, उपकला कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई रहेगी, राइट। एपिथेलियल सेल्स के द्वारा अंदर से आश्रित रहती है और वहां से म्यूकस भी सेक्रेट होता है, जो हम बोलते हैं श्लेष्म, उसका भी श्रावण होता है, राइट। तो मिडगट उसके द्वारा बनी हुई। अब जब हम मिडगट की बात करते हैं तो मिडगट से जस्ट हम बोलते हैं कि मिडगट में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड डायवर्टिकुलम, राइट। इसे हम अंतनाल के नाम से भी जानते हैं, राइट। ब्लाइंड डायवर्टिकुलम, जो ब्लाइंड डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है ये एक तरह से जैसे हमारे अंदर पेंक्रियास वर्क करते हैं वैसे ये यहाँ पर वर्क करता है। इसका कार्य बिल्कुल पेंक्रियास की जैसा होता है और यहाँ मिडगट से प्रेजेंट होता है, राइट। तो जब भी हम मिडगट से हिंडगट की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं मिडगट डायवर्टिकुलम, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि मिडगट इसके अंदर जाकर खुलती है, डायवर्टिकुलम है एक प्रकार का मध्य आंत्र, ठीक है। इसे हम मध्य आंत्र नाल के नाम से भी जानते हैं। ब्लाइंड डायवर्टिकुलम को हम बोल सकते हैं मिडगट से जस्ट पहले प्रेजेंट रहती है, और मिडगट जहाँ कनेक्ट कर रहा है, जिस जगह पे जाके कनेक्ट कर रहा है, अंदर जाके हम अभी डायग्राम बनाएंगे तब हम उसमें देखेंगे, तो जिसको मिडगट से डाइवर्ट हो रहा है रिलेशन, उसको हमने बोला है मिडगट डायवर्टिकुलम, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इन दोनों रीजन्स के बीच में, तो इन दोनों रीजन्स के बीच में एक इलियोसी
वलय जैसी संरचना होती है इलियोसीकल ग्लैंड। इसका कार्य क्या होता है? चर्निंग का कार्य होता है, राइट। ये चर्निंग करती है, जो भी फूड यहाँ तक जाएगा उसको ऊपर नीचे करेगी, चर्न करेगी और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करती है, राइट। तो हमने यहाँ बोला कि इसके जस्ट पहले ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम है जो पेंक्रियास की तरह वर्क कर रहा है। मिडगट वाले रीजन से जो है हम यहाँ पे बोलेंगे मिडगट डाइवर्टिकुलम उपस्थित रहता है, जो कि एक लिवर की तरह कार्य करेगा यहाँ पर, राइट। ठीक है, एक लिवर की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों रीजन के बीच में इलियोसीकल ग्लैंड उपस्थित रहती है जो चर्निंग का कार्य करती है। जब भी हम इन दोनों रीजन की बात करते हैं तो ये दोनों ही रीजन उपकला कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहते हैं, एपिडर्मल सेल्स के द्वारा बने हुए। इसमें एपिडर्मल कोशिकाएं पक्षमाधित भी होती हैं, सीलिएटेड होती हैं, सीलिया इनमें उपस्थित रहता है। और ये वाला भाग फिर अंतिम भाग रेक्टम में खुलता है, जो कि एक प्रकार का मलाशय है जहां से अपचित पदार्थ बाहर की ओर जाए, ठीक है। और रेक्टम कहां खुलेगा? हमारे एनस, ठीक है, एनस की तरफ खुलेगा। एनस किस साइड प्रेजेंट होती है? लेफ्ट साइड बाई ओर उपस्थित रहती है, वेंट्रल साइड में, राइट। हमने जो डायग्राम बनाया था तो हमने देखा था अधर सतह की तरफ एनस खुल रही थी, और खुल किसके द्वारा रही थी? एनल पोल के द्वारा, एनल क्षेत्र होंगे उसी के द्वारा खुलेगी। और यहाँ पर कुछ एनल स्फिंक्टर्स भी उपस्थित रहेंगे जो इस पोर को खोलने और बंद करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से इसोफेगस की बात में इंटेस्टाइन ट्रैक्ट से डायरेक्ट एनस की तरफ खुलती है, और ये लास्ट पार्ट वेंट्रल पार्ट अदर भाग की तरफ इसकी ओपनिंग हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कि किस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्री किनार प्रेजेंट, राइट। अब अगर हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, राइट, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहां पर मोस्ट प्रोबेबली दो प्रकार के होते हैं, राइट। एक हमने बोला ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम, ठीक है, जो पैंक्रियास की तरह कार्य करती है। एक हमने बोला इस तरह की संरचना यहाँ उपस्थित रहती है। ब्लाइंड डायवर्टिकुलम पेंक्रियास की तरह वर्क करेगी, मिडगट डायवर्टिकुलम मध्यांत अंधनाल जो हम बोल रहे थे वो तो पेंक्रियास की तरह, और मध्यांत जो है ये किसकी तरह है? यहाँ पर लिवर की तरह वर्क कर, राइट। अब हम अगर बात करते हैं तो मेजर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो यहाँ पर लिवर ही है, और ये खुलती कहाँ है? मिडगट, राइट, मध्य आंत में ही ये खुलती है, वहीं से ये कनेक्टेड रहती है। अब इसके अंदर जानुजन कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ये जानुजन कोशिकाएं कुछ इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो भी होते हैं उनका श्रावण करती है, उनका सिक्रेशन करती है, और वो सिक्रेशन मिडगट तक जाकर जितने भी वहां पर सेल्स होंगे, भोज्य पदार्थ होंगे, उन पे वर्क करता है, राइट। तो जानुजन कोशिकाओं से इम्पोर्टेंट एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। वो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स अभी हम भोजन का पाचन पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंडली, मिडगट डायवर्टिकुलम जो है ये ब्लाइंड डायवर्टिकुलम के साथ साथ चलती हुई मिडगट के अंदर आ रही है। इसकी पोजीशन की बात करें, इन दोनों पेंक्रियास और लिवर ये दोनों साथ साथ चलते हुए मिडगट के अंदर खुलते हैं। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं जो श्लेष्म का श्रावण कर सकती है, राइट, क्योंकि डायवर्टिकुलम मिडगट का ही पार्ट है।
ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इनमें सीधा भी उपस्थित रहते हैं, पक्षमाप भी उपस्थित रहते हैं, जिससे कि फूड जो है वो आगे की तरफ गति कर सके, भोज्य पदार्थ मूवमेंट कर सके आगे की तरफ।
स्लिट्स आ जाती हैं, व्हिच मींस जिसको हम क्लोन दरारे बोलते हैं, ये आ जाएगा पेरिफेरेंशियल बैंड, राइट। और इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ वाले रीजन की, तो ये आ जाएगा हमारा एंडोस्टाइल, ऑलराइट। एंडोस्टाइल के साथ यहाँ पे वही मोटो कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड आ जाएगी, ये डॉर्सल फिनरी बॉक्स वही, राइट। ये कौन सी जगह सतह है, पृष्ठ सतह, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर उपस्थित रहेगी और ये मायोटोब्स टाइप में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे हम मून में भी क्या देखते हैं, मेटाफिल्ड फोल्ड्स हमें देखने को ऑब्जर्व होते हैं, राइट। अब यही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नॉर्मली ओवरीज भी प्रेजेंट होंगी, तो ओवरीज की पोजिशन यहाँ पर हम देखते हैं अंडाशय जो होते हैं वो कहीं पे यहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं, जहाँ ओवरी का भी सेम ऐसा ही पार्ट रहता है, जहाँ हम जैसे इस वाले रीजन को ही देख लेते हैं हम, ठीक है, उसको हम दोबारा ना बना के यहाँ पे इस तरह से ओवरीज या अंडाशय रहते हैं, लेकिन वो फेरिंग्स भाग नहीं कहलाता, फिर वो पोस्ट फेरिंग्स भाग हो जाता है, है ना, फेरिंग्स के बाद। तो वहीं पे इस तरह की संरचना उपस्थित रहती है अंडाशय, जिसे हम कहते हैं, राइट। तो फेरिंग्स भाग में इसको नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरफ इस तरह से उपस्थिति इनकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट की, बात कर लेते हैं, राइट। इंटेस्टाइन के पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर डॉर्सल फिनरी बॉक्स और यहाँ पर वेंट्रल फिनरी, राइट। यहाँ पर दोनों तरफ मायोटोम्स उपस्थित रहेंगे, और मायोटोम्स दोनों तरफ पेयर्स में होते हैं हमेशा, सिंगल नहीं, ये चीज हमने देखी है, ठीक है। अब बीच वाला कहाँ हुआ, विंडल भाग उपस्थित रहता है और इसी के पीछे की तरफ विंडल सीलोम भाग भी उपस्थित रहेगा, सीलोम स्ट्रक्चर यहाँ, ठीक है। इस तरह की संरचना उपस्थित रहती है, इसको हम बोलते हैं मिडगट, ऑलराइट। ये वेंट्रल रिंग फिन रिंग, क्योंकि यहाँ पर आते आते हम क्या देखते हैं कि वेंट्रल फिन्स शो होती हैं, वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर डॉर्सल फिन रिंग बॉक्स, पृष्ठ सतह आ गई और अधर सतह, ये मिडगट हो गया, यहाँ ये इसकी सीलोम हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ये हो जाएगा डॉर्सल एओर्टा का भाग, ये जिसे हमने क्या बोला, पृष्ठ भाग हमने, और इसी के साथ ये हो जाएगा मोटो कॉर्ड और ये नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे, इंटेस्टाइन पार्ट की, जहाँ पे मिडगट की हमने बात, तो इस तरह से संरचनाएं उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं, फोर्थ जो पार्ट है वो होता है एनल पोर से जो कटता है, एनस की तरफ से जो
टीएस सेक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी हमें काफी सारे चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ये माइक्रोटोम्स हो गए ना, मसल की संरचनाएं हो गई। इसी के साथ ये वेंट्रल भाग हो गया, राइट, ये हो गया डॉर्सल फिन रे भाग, ठीक है, ये हो गया एनल पोर जहां पे एनस बाहर ओपन हो रही है, ठीक है। इसी के साथ यहां पर हो जाएगा हाइंड गट भाग, और इसी के पास ये क्या है, एक तरह की आंच का ही पार्ट है। तो इन दोनों भाग के चारों तरफ सीलोम उपस्थित रहते हैं, चाहे हम हेड गट की बात करें चाहे हम हाइंड गट की बात करें, ठीक है। दोनों के आसपास सीलोम होंगे, पश्चात के पास यहाँ पे कुछ मसल्स उपस्थित रहेंगी, मांसपेशियां जिन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा भाग होगा और इसी के साथ यहाँ पर नोटोकॉर्ड उपस्थित रहेगी और यहाँ नवकॉर्ड उपस्थित है। तो इस तरह से लास्ट वाले पार्ट से हम जब टीएस काटते हैं तो हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में डिवीजन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमने क्रॉस सेक्शन वाइज काटा है और ऑब्जर्व किया, राइट। अब नॉर्मली अगर हम बात करें यहां पर, तो हम अब बात करेंगे फूड इंजेशन। देखिए फूड को हम किस प्रकार से इंजेशन करते हैं, ठीक है, फूड को अंतर्ग्रहित हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ब्रेंकियोस्टोमा की बात कर रहे हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा में इसमें फूड इंजेशन में सबसे पहला पार्ट आएगा भोज्य पदार्थ क्या है, फूड सब्सटेंस क्या है। तो हमने बोला था क्योंकि ये वाटर में रहते हैं, समुद्री जीव हैं, तो यहाँ पर फूड में डाई एटम्स, डेसमेट्स एक्सेट्रा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का फूड ये अंतर्ग्रहित करते हैं, राइट। मोस्टली इनका फूड जल की धारा के साथ ही अंदर की ओर जाता है और मिक्स होकर यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स होकर, जल के साथ मिक्स होकर ओरल सिराए के थ्रू, ओरल हुड के थ्रू अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। अब सेकेंडली अगर हम बात करें तो फूड तो है चलो, फीलिंग किस प्रकार होगी, ठीक है। फूड इंजेक्शन में ही अंतर्ग्रहण में ही सेकेंड पार्ट आता है फीलिंग, फीलिंग कैसे फीडर्स है, तो हम इनको बोलते हैं सीलियरी फीडर्स, राइट। कि ये सीलिया के द्वारा भोजन को अंदर अंतर्ग्रहित कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको नाम दिया है सीलियरी फीडर्स। इन सीलिया के द्वारा ये भोजन को छांट कर अंदर की तरफ लेते हैं, तो इसलिए फीडिंग में हम इनको देते हैं सीलियरी फीडर्स। जल की धारा के साथ ही ये भोजन को अंदर अंतर्ग्रहित कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंडली फीडिंग में यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म आता है हमारा कि किस प्रकार से ये पूरी तरह से कौन कौन से स्टेप्स से ये जाता है फूड और किस तरह से अंदर डाइजेशन के लिए आगे प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ फूड देखते हैं।
इस प्रकार की संरचना हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। राइट, अब नॉर्मली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या होंगे, सिराए होंगे, ठीक है, ओरल सिराए जिनसे फूड अंदर की तरफ एंटर करेगा। राइट, यहाँ पे एंटर करेगा, ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे इसे, ये जो है ये एंडोस्टाइल भाग है। राइट, यहाँ से फूड अंदर जाएगा, ठीक है, फैरिंग्स की तरफ से ईसोफेगस में एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से मूवमेंट करता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ से अंदर जाते हुए बाहर आएगा, फिर इस तरह से इसका मूवमेंट। अब यहीं पे ही बीच में यहाँ पे हम इस तरह का मूवमेंट भी देखेंगे, जो क्यों हो रहा है सर्कुलर मूवमेंट, ये भी हम ऑब्जर्व करें। तो इस तरह इसके इनका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। राइट, इस वाले भाग को हम बोलते हैं यहाँ पर पेरिफेरेंजियल ग्रूव। ओके, ये मिडगट भाग है, ये मिडगट डायवर्टिकुलम है। और डाइजेशन की विभिन्न क्रियाएं यहाँ पर देखी जाती है।